हे गाइस वेलकम बैक टू इमोर्टल गेमिंग तो आज हम वेट से भाई पीसी का एक और नया एपिसोड लेके आ गए और देख लो भाई मेरा बेस है वो भाई थोड़ा सा भाई बुरा सा लग रहा है क्यों लग रहा है वो मैं बताता हूँ क्योंकि भाई जो ए वाला इलाका है ना जो बीच वाला जो इधर में स्लोपिंग लगाया उस पर भाई मुझे रियली भाई लगाना था इधर अपना क्या बोलते हैं डोर और उसके आगे जो आप हमने बड़ा रखा था वो ऐसे ही रखना था और डोर लगाने के बाद थोड़ा सा भाई वो स्लोपिंग वाली जो भाई मैंने इधर यूज़ की ना ऐसी भाई स्लोप वाली वॉल का यूज़ करके भाई मैं बनाने वाला था बट पता नहीं लग ही नहीं रहा था इसलिए भाई मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा भाई बॉक्से टाइप का बनाते हैं ऊपर तो भाई मुझे वैसे भी वो लगाना था पहले भाई मैं चढ़ जाता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ वो बच गया इसकी भाई इसकी आँख भाई डर गया था और भाई मेरा एक डाइनो भाई मर चुका है कैसे मरा वो मैं बाद में सब कुछ बताता हूँ तो भाई देख लो भाई मैंने थोड़ा सा बना दिया ऊपर भाई मैं ग्रीन हाउस सीलिंग लगा दूंगा उसके बाद इधर वॉल लगा दूंगा और इधर डोर लगा दूंगा आई थिंक सो डोर लगा दूंगा और एक्सटेंड करेंगे देखेंगे भाई मुझे पता नहीं भाई क्या करूंगा बट ऐसा कुछ करने के लिए भाई मैंने सोचा है और भाई इसके लिए भाई मैं क्रिस्टल ढूंढने भी गया था बट मुझे मिल नहीं रहा और उधर देख लो भाई काफ़ी डेंजरस डाइनो है इधर भी डेंजरस तो भाई मुझे मारने जाना पड़ेगा अगर इधर आया ना तो मारने जाना पड़ेगा डेफिनेटली तो अभी के लिए तो वो तो ठीक है सब कुछ बट अपना जो थेरीसिनोसर है वो भाई मर गया है पता नहीं कैसे मरा भाई मैं जब भी ऑनलाइन आया ना तभी भाई मैं इधर अच्छे इधर भाई अपना जो स्टोरेज बॉक्स है उसमें सब ट्रांसफ़र कर रहा था और जब भी बाहर निकला तभी भाई उसकी कब्र खुद चुकी थी तो अभी तो उसको तो भाई मैं रिवाइव कर नहीं सकता इसमें इसलिए भाई मैंने सोचा अभी भाई किसी और फार्मिंग डाइनो को टैम करते हैं जो भाई बेरी फार्म कर सकता है तो उसके लिए भाई ओके okay, मुझे लगा भाई किसी ने भाई पीछे से अटैक किया अपने बंदे पे तो भाई मुझे सबसे बढ़िया डाइनो भाई एंकाइलो लगता है भाई फार्मिंग के लिए भी क्योंकि भाई वो बंदा दोनों कर देता है मेटल भी फार्म करता है भाई काफ़ी बढ़िया और वो बंदा भाई अपने लिए बेरी भी फार्म कर सकता है ओके okay, तो भाई अभी एंकाइलों को आज के दिन पे भाई मैं टेम करने वाला हूँ वैसे भाई ढूंढना पड़ेगा कितने हाई लेवल का मिलता है क्योंकि मैंने देखा नहीं भाई कितने लेवल तक मिल जाता है इज़िली तो ये पहला एंकलो है जिसको हम ढूंढने वाले अभी सेवन ही लेवल का है बट कोई नहीं चलो अभी दूसरा ओके दूसरा भी इधर ही है आई थिंक सो भाई उसके नज़दीक ही होगा ज्यादा कुछ दूर नहीं है मैंने बोला ही था ना सेवनटीन लेवल का है और काफी बंदे भाई ओके पहले भाई मैं नाम सजेस्ट किया था वो भाई रख देता हूँ तो आई थिंक सो तीन बंदे ने नाम सजेस्ट किया था उसमें से भाई सबसे बढ़िया जो नाम लगा वो मैं रख देता हूँ और पहले तो अपने बेस पे चलते हैं क्योंकि भाई उधर भाई मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरिस लग रहा है क्योंकि वो बंदे भाई नज़दीक आ रहे हैं पता नहीं क्यों तो अभी भाई मैं जल्दी से कमेंट जाग के देख लेता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं भाई इस अब नहीं ओके सब भाई पैसिव हो जाना भाई प्लीज़ पैसिव 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 ओके डन पैसिव हो गया है इसका भाई लेवल ओके वेट में डालते हैं वैसे और ये भाई अपना जो बंदा है वो भाई मेल है इसलिए भाई दो फीमेल नाम टाइप का था इसलिए भाई मैं वो रखने नहीं वाला भाई क्या साउंड था ओके कोई नहीं चलो भाई इसका नाम किधर से चेंज करते आई थिंक सो ऑप्शन में ओके चेंज नेम तो वो भाई इसका नाम आया था भाई कुछ टाइप का है मुझे पता नहीं भाई इसको प्रनाउंसिएशन कैसे करते हैं भाई इसका नाम मुझे आया था गेम ऑफ थ्रोन से भाई एक बंदे ने सजेस्ट किया था उसके भी कमेंट में इधर डाल दूंगा पिन कर दूंगा तो वो भी देख लेना किस बंदे ने सजेस्ट किया था अबे सही तो लग रहा हूँ ना ओके आई थिंक सो सही लिख लिया है मैंने तो उसका नाम भाई नाई मेरी रख दिया है भाई जो गेम ऑफ थ्रोन्स में आई थिंक सो वुल्फ था जो भाई मैंने अभी सर्च किया है और वो भी भाई आई थिंक सो फीमेल वुल्फ था भाई ऐसा मुझे दिखा रहा है भाई गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में वैसे भाई मैंने देखी नहीं है काफ़ी भाई गेम ऑफ थ्रोन्स के बंदे जो भाई जिसने देखी है जो भाई उसकी फेवरेट सीजन है वो भाई काफ़ी गुस्सा कर रहे हो गए okay? पता नहीं बट मुझे भाई सीरीज़ देखने का भाई मन ही नहीं लगता इसलिए भाई मैंने नहीं देखी वैसे भाई मैंने स्टार्ट तो की थी आई थिंक तो एक या दो एपिसोड देखे थे पहली सीजन के उसके बाद मैंने नहीं देखा था तो भाई मैंने नाइमिरिया नेम रख दिया है आई थिंक सो so, यही प्रनाउंसिएशन करते हैं तो अभी जल्दी से भाई चलते हो और दो तीन और नाम आए थे जो फीमेल थे बट उसमें से भाई ग्रेमअप थका है तो भाई मैंने सोचा कि ये ही रख देते हैं आई थिंक सो so, काफ़ी कुल लगेगा तो अभी देखते हैं वो दो डाइनो को तो भाई मैंने मार दिया है जो भाई इधर दिख रहे हैं ना वो अब जहाँ मत साले वो एग्रह हो जाते हैं भाई काफ़ी दूर से वेले भाई मैं मार के ही जाता हूँ अगर भाई मैं चला गया और बाद में आ गए ना तो भाई अपने वुल्फ की भाई वाट लगा सकते हैं क्योंकि भाई मैंने इसको पेसीव करके रखा है इसलिए साल है औकात नहीं और भाई लड़ने आ जाते वैसे भाई दोनों एक साथ आए ना भाई कुछ बिगाड़ तो नहीं पा रहे भाई इसका वैसे भाई दोनों ही एक साथ भाई निपट गए अबे साले है औकात नहीं है और फाइट करने आ जाते हैं कोई नहीं चलो अभी भाई हमारी नाई है कोई इधर रख देते हो और इधर कोई और टेंशन नहीं है तो अभी जल्दी से भाई एंकाईलों को ढूंढने के लिए निकलते हैं क्योंकि भाई मुझे मेटल वैसे तो ज्यादा फार्म नहीं करने ये क्या है भाई काफ़ी बढ़िया कलर दिख रहा है आई थिंक सो ओके जो भाई मैंने जिसको मारा वो ये है अबे ना ए, कोई नहीं चलो भाई मुझे नाम देखना था बट कोई नहीं चलो और दो तीन बंदर ने वो भी कहा है कि जो भाई कार्नोक के साथ था जो भाई वुल्फ टेम गया था ना तब भी जो कार्नो के साथ था वो काफ़ी रेरेस डाइनो है उसको टेम कर लेना चाहिए था तब भी बट मुझे पता नहीं भाई उस दिन पे तीन या चार दिखे भाई एक साथ इसका लेवल कितना है वरना भाई इसको इधर ही छोड़ दो और अबे नहीं ये बंदा फिर से आ गया भाई इसकी भाई मैंने बोला ही था ना भाई ये बंदा इधर ही इधर घूमता रहता है देख लो भाई अभी हमारा जो अर्जेंट है बेकाबू हो गया वैसे वो बंदा नीचे नहीं जाएगा वो तो पता है मुझे अपना अर्जेंट है पर पता नहीं भाई किधर चला जाता है देख लो भाई मैं बिल्कुल नहीं चला रहा अभी भाई मैंने की और माउस से हाथ उठा लिया था तो अभी देख लो भाई देख लो भाई अभी रुक गया है फाइनली तो भाई पता नहीं भाई वो काफी डेंजरस लाइन हो तो उसको टेम कैसे करता है वो भाई मुझे ढूंढना पड़ेगा देख लो फिर से आ गया ओके okay, वैसे भाई वो मर okay, मर ओके ही गया है क्या कोई कैसे उसको मार रहे हो समझ में नहीं आ रहा वैसे भाई अब बंदा कारनों को तो प्रोटेक्ट करता है कारनों कैसे मार रहे हो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि भाई हमेशा भाई ये कारनों के साथ ही होता है और वो कारनों को ही प्रोटेक्ट करता है पता नहीं क्यों और भाई इधर आल्फा कारनो भाई क्या क्या घूम रहे है भाई इधर मुझे भाई अपना बेस काफ़ी भाई मुश्किल में मैंने बनाया है मुझे ऐसा लग रहा है भाई काफ़ी हालत पतले भाई इसके नज़दीक के जिधर भी देखो उधर भाई आल्फा डाइनो घूमते रहते उधर के और भाई मैं मार भी नहीं सकता ज़्यादा आल्फा को क्योंकि अपना जो अर्जेंटेवी स्वल्स भाई सब भी मर जाता है उसके सामने वैसे भाई आल्फा कॉर्नों काफ़ी हाई लेवल का है तो भाई मुझे एसेंडेंट चीज़ के लिए भाई क्या करना पड़ेगा वो मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि भाई हम एसेंडेंट चीज़ के लिए अब मे मत साले कोई नहीं चल वैसे भाई मैं मैं चीज़ के लिए भाई मोबाइल में तो अपने है उसको ट्रिब्यूट करके भाई निकाल लेता हूँ बट इसमें आई थिंक सब मुझे ड्रॉप लुटना पड़ेगा बट किसके का ड्रॉप लुटना वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्योंकि मुझे बिल्कुल ही नहीं पता है एसेंडेंट चीज़ किधर से मिलती है एशियन नहीं भाई जर्मन मैन की भी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा तो अभी देखते हैं भाई किधर से मिलती है आप कमेंट करके बताना तो अभी मुझे थोड़ा सा आइडिया आएगा क्योंकि मुझे बिल्कुल ही नहीं पता इसलिए और तो आई थिंक सो भाई मेरा आवाज़ नॉर्मल हो गया होगा अब तक तो काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि भाई काफ़ी लो आ रहा है इसलिए भाई मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है अभी अपना आवाज़ देखते अभी भाई मैं जब भी एडिटिंग के टाइम बैठूंगा तब भी मुझे बिल्कुल ही पता लग जाएगा क्योंकि तभी मुझे ओके okay, इसके पहले वाले वीडियो में जब भी वुल्फ का बनाया था ना तब भी मुझे लगा था देख लो फिर से भाई ये बंदा इधर ही घूम रहा है और उसके साथ कारनो भी है तो भाई ये हमेशा कारनों के साथ ही घूमता रहता है और वो पहली बार मैंने देखा कि भाई कारनों ने उसको मार दिया है और एक बंदा बोल रहा था कि भाई आप सिप को मार दो तो भाई मुझे सिप दिखाई ही नहीं देते अब स्टेमिना खत्म हो गया तो भाई मुझे सिप दिखाई नहीं देता तो भाई उसको मार के भाई उसका म्यूट कैसे मीट कैसे लू भाई म्यूट क्या भाई मीट कैसे लू पता नहीं भाई उसको मार के कैसे लेते हैं वैसे भाई मुझे ढूंढना पड़ेगा और फूड लेना बिल्कुल ही भूल गया तो थोड़ी सी हालत कोई नहीं चलो भाई मैं इधर ही टेम कर लूँगा जिधर मिलता है क्योंकि अब मैं ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी उसको टेम करने में और क्रिस्टल फार्म करने के लिए काफ़ी दूर आना पड़ेगा क्योंकि अपना जो आइलैंड है मीन्स अपना जो माउंटेन है उधर साला क्रिस्टल ही नहीं मिलता भैंस किया दो तीन बार भाई मैं हार्वेस्ट किया मीन्स एक ही क्रिस्टल अबे मुझे उसको बचाना है मर गया क्या अबे एक गेम भाई क्या लेक मारा? अबे क्या है यार एक तो भाई मोबाइल की आदत की वजह से भाई पिक ही नहीं कर रहा है इसको भाई मोबाइल में होता तो भाई कितनी बार पिक हो गया होता ये बंदा अभी फाइनली हो गया तो स्टेमिना साला नहीं बचा अबे मर गया यार क्या ही करूं अभी एक तो स्टेमिना है नहीं ऊपर से भाई कितने कितने लेवल के हैं भाई ये काफी बढ़िया लग रहा है डाइनो अबे ब्लैक का लेवल देख लेने दे साला लेवल ही नहीं देखने दे रहा जाने दे भाई एक तो इतने स्पीड में मूव होते ना वो अल्फा रेप्टर भाई क्या ही खतरनाक लग रहा है भाई ये कैसा कलर है भाई अतरंगी कलर वाला पहली बार देखा भाई मैंने इतना बढ़िया अल्फा रेप्टर भाई ओके फिफ्टी नाइन लेवल का भाई इसको अटैम कर रहा हूँ भाई मैं किसी और के लिए भाई मैं जा भी नहीं रहा हूँ और वो बंदे भाई मेरा पीछा ही कर रहे हैं उसको मुझे आई थिंक सो मारने जाना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा साला भाई थोड़ा सा भाई इसका कलर क्या के किया भाई मैंने बोल दिया तारीफ कर दी तो ये बंदा मेरे पीछे ही लगा वैसे फोर्टी लेवल का है काफ़ी बढ़िया लेवल का बट अभी मरने ही वाला है ओके okay, ओके okay, मुझे लगा भाई अपने कई लोग को लग जाएगा बट कोई नहीं चलो अभी लगा तो नहीं है तो इसके लिए भाई इसका इंतज़ाम करते हो और आई थिंक सो भाई जो आपने मोड़ बोला था वो भी मुझे मिल नहीं रहा आई थिंक सो भाई वो जो मोड़ है वो आपको भाई स्ट्रीम ने से डाउनलोड करने पड़ते हो और भाई मैंने एपिक गेम से भाई ये सब बाई किया है मीन्स अपना जो आर्क है वो एपिक गेम वाला है इसलिए भाई मुझे लग रहा है कि मैं स्ट्रीम में से भाई मोड डाउनलोड करके इसमें भाई कुछ कर नहीं सकता बट देखते अभी अगर कुछ होता है मैं वीडियो देख लूँगा तो अभी कुछ करते हैं उसके लिए भी क्योंकि भाई मुझे अबे कौन अबे मेरा ही बंदा है भाई साला मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है भाई इसका कलर भी काफी बढ़िया था वैसे वैसे तारीफ नहीं करना चाहता क्योंकि वो बंदा भी पीछे लग जाएगा बिना बात का ओके okay, अभी भाग रहा है तो अभी हो जाए हो ही जाएगा आई थिंक सो लास्ट वाला तो नहीं लगा मुझे लग रहा है ओके अब फाइनली हो गया है अबे नहीं हुआ मुझे लगा हो गया है यार किधर जा रहा है okay, ओके हो गया फाइनली तो इसका जो फूड लेवल है ओके okay, काफी बढ़िया है और इसका वेट वेट काफ़ी बढ़िया है मिली डैमेज भी इस है इसका जो मी भी है और क्या भाई इसकी हेल्थ भी काफ़ी बढ़िया है तो इसके लिए भाई मुझे वेट करना पड़ेगा मीन्स बेरी फार्म करना पड़ेगा उसके लिए भाई मैं कुछ लेके नहीं आया था इसलिए वैसे डिमोर्फोडोन काफ़ी बढ़िया लगता है भाई इसमें काफ़ी खतरनाक लगता है और माइक्रो माइक्रोटेप्टर करके भी कुछ आता है भाई वो बंदा क्या खतरनाक बंदा है जब भी भाई एग्रो हो जाता है ना एक तो झुंड में होते हैं ऊपर से भाई जिस भी डाइनो को आप चला रहे हो उसको उसमें से भाई आपको उतार देते हैं इसलिए भाई वो काफ़ी खतरनाक डाइनो उसको टेम कैसे करो वो ढूंढना पड़ेगा वैसे आर्क्योपेट्रिक्स और माइक्रोरेप्टर आई थिंक सेम so ही है बट मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि सेम है या डिफरेंस है तो अभी फार्म कर लेता हूँ तो भाई अभी होने ही वाला है 94.5 परसेंट हो गया अभी मैं और अब भाई ये भी लगता है मुझे लगा भाई पीसी में नहीं लगेगा ओके हो गया फाइनली भाई काफी दूर फेंक दिया था वैसे भाई इसने और भाई थोड़ी सी भाई हलचल हो गई थी और इसकी वजह से भाई टेमिंग इफेक्टिवनेस देख लो भाई आप लोग और इसकी हेल्थ भी काफ़ी मैंने गवा दी थी क्योंकि भाई इधर आल्फा रेप्टर आ गया था जिसको भाई मुझे मारना पड़ा उसमें से भाई मुझे क्या मिला था भाई कुछ सिंग टाइप का कुछ अलग सा ओके ये मिला था ट्रॉफी मिला है वैसे भाई इसका क्या काम है मुझे पता नहीं बट मुझे ये ट्रॉफ़ी मिला था और यह भी हो नहीं वाला था और इसकी वजह से भाई मेरी टेमिंग इफेक्टिवनेस कम हो गई और अभी मैं क्या ही करूँ तो अभी भाई मुझे यही टेम करना पड़ा ज़बरदस्ती मैंने देखा दो तीन बार मीन्स दूसरे ढूंढने की बट मुझे इनकाई लो मिला ही नहीं इसलिए भाई मुझे इसको ही टेम करना पड़ा तो अभी भाई इसको भाई ट्रैकिंग का बंद कर देते हैं वैसे हो गया तो अभी भाई मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और इसका भाई फ़ीमेल है या मेल है देख लेते हैं अभी किधर मिलता है ओके okay, फीमेल है तो भाई इसका बढ़िया सा भाई फ़ीमेल वर्जन नेम मुझे भाई कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना तो इसको भाई जल्दी से क्रायो करके भाई अपने बेस पे लेके चलते हो और अपनी हेल्थ मीन्स अपना जो वाटर है और फूड है वो देख लो भाई कुछ भी नहीं है तो मुझे इससे ही काम चलाना पड़ेगा वैसे भाई दबा दब इसको खिला देते हैं जल्दी से क्योंकि ये बंदा भाई जल्दी से भाई भूखा हो जाता है पता नहीं क्यों भाई इतनी जल्दी भूख कैसे लग जाती है और मेरे पास भाई काफ़ी ज़्यादा भाई कुकिंग मीट था बट पता नहीं भाई किधर चला गया इतना ज़्यादा मैंने खिला दिया है ना इस बंदे को पता नहीं तो भाई मुझे जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन से में लिख के बता दो कि भाई मुझे एस एन एन वाला आर्म और दूसरी चीज़ भाई मुझे किधर से मिल सकती है तो भाई मैं उधर को जल्दी से जाके फार्म कर लूँ क्योंकि भाई मुझे अभी डेफिनेटली एस एन एन वाली चीज़ चाहिए आपको पता ही है कि भाई हम ट्रिब्यूट नहीं कर सकते जो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा मिला जो भाई मैंने पढ़ लिया था और मुझे अभी फाइनली पता लग गया कि भाई ट्रिब्यूट नहीं कर सकते हम इसके लिए भाई मेरा आई थिंक सो पंद्रह या बीस मिनट मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और पंद्रह और बीस मिनट गूगल पे सर्च किया बट मुझे फिर भी नहीं मिला मैंने काफ़ी चीज़ पढ़ी बट नहीं मिला तो फाइनली भाई मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ लूँ और फाइनली भाई मुझे जवाब मिल गया तो अभी भाई उसको तो हम कर नहीं सकते इसलिए भाई मुझे ऐसे चीज़ के लिए कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा और उसके लिए भाई पहले से ही होता है क्योंकि पता ही है आपको मोबाइल में ऐसे चीज़ दे रहे हो तो भाई पीसी में तो डेफिनेटली होगा हो ही होगा वरना भाई इतने भयानक भाई डाइनों को भाई कैसे संभाल पाए उसके लिए भाई मुझे कुछ जुगाड़ चाहिए तो ढूंढते ढूँढते अभी स्मिथी में किधर मिलेगा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा भाई इतनी आसानी से मिलेगा मिल तो गया अबे मेटल किधर चला गया वैस की भाई तीन सौ तीन सौ भाई मेटल दे भाई सारे आई थिंक सो भाई वाटर रिसोर्स बनाने के चक्कर में वेस्ट कर दिए मुझे ऐसा लग रहा है बट कोई नहीं चलो अभी फाइनली भाई अंकैलो आ गया हो और काफ़ी टाइम पे लेके आया हूँ क्योंकि भाई मुझे जब भी चाहिए था ना तब भी मिल गया अभी फाइनली वरना अगर भाई मैं एक और दिन भाई वेस्ट कर देता ना एंकलों के बिना तो भाई मेटल फार्म करने में हालत पतली हो जाती वो तो भाई मैंने देख लिया अभी के लिए वैसे भाई अभी पिकेक्स मिल गए काफ़ी बढ़िया ए बो भी मिला मुझे उसमें से जो भाई अब यार यारे सर्च नहीं कर रहा था मुझे सिर्फ अपने लिए भाई ये चाहिए और ऊपर के लिए भाई मैंने एक क्रॉप प्लॉट तो भाई उसमें भी हम बो देंगे बट उससे पहले भाई मुझे फार्म करना पड़ेगा और उसमें से भाई मुझे निकालना पड़ेगा क्या बोलते हैं अपने लिए बी निकालना पड़ेगा मीन सीड निकालना पड़ेगा उसके अलावा भाई मैं उसको बोक के भाई मैं अपने लिए भाई फार्म नहीं कर सकता बेरी या भाई नींबू भाई कुछ भी पोटैटो हो गया भाई कुछ भी हो गया तो इसलिए भाई मुझे फार्म करना पड़ेगा और एक क्या लिखा आ रहा भाई जीरो एट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थर्टीन थर्टी टू चलो होगा कुछ भाई उसके चक्कर में भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला चल भाई जल्दी से बाहर निकाल और अभी हम जल्दी से भाई फार्मिंग के लिए लग जाते हैं ओके, मिली भाई मिली सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें क्योंकि हम भाई अपने आरजी से इसको इजीली पिक कर सकते हैं और अबे ये भी करता है क्या ये नया अटैक आया भाई सेकेंडरी अटैक इसमें भी। वैसे भाई काफी बुरा मिली डैमेज है भाई देख लो भाई ये बस बंदा भाई क्या ही बुरा डे मिली डेमेज वाला बंदा है कोई नहीं चलो हो जाएगा आराम से हो जाएगा दिक्कत की बात नहीं भाई मैं इसका मिली डैमेज में डालने वाला हूँ हेल्थ पे कुछ नहीं डालने वाला क्योंकि भाई मैं इसको मोस्टली क्रायो करके ही रखूँगा अगर भाई मैं किसी डाइनो को ठेम करने जा रहा हूँ फिर ही भाई मैं अनक्राई करूँगा वरना भाई ये बंदा क्रायो ही रहने वाला है और इसमें से भाई स्टोन निकाल देते हैं क्योंकि स्टोन के लिए भाई काफ़ी बढ़िया डायनो है अपने पास तो अभी इधर ही अपना एपिसोड खत्म करते हैं इसको भाई मैं फोर्ज में डाल दूंगा और बढ़िया सा भाई फीमेल वाला नेम उसके लिए सजेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नहीं किया है तो अगर किया है तो लाइक कर देना भाई कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है